हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए हमारे पास वीवो का Y91 मॉडल है। देखिए इसका ग्लास पूरी तरह टूट चुका है, तो आज हम इसे मशीन की मदद से रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम फ़ोन को ऑफ कर लेते हैं, इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप करके इस वीडियो में हम सोल्यूशन इसका देंगे। तो सबसे पहले हम इसका बैटरी रिमूव कर लेंगे। देखिए दोस्तों, बैटरी हमारा आसानी से रिमूव हो जाता है। इसका हम इसका देखिए, ये डिस्प्ले पत्ता होता है, इसे रिमूव कर लेंगे। इसके बाद हम इसे हीट करके फोल्डर को रिमूव करेंगे। देखिए ये हमारे पास मशीन है, इसकी मदद से हम इसे हीट की माध्यम से रिमूव करेंगे। तो दोस्तों, हम इस पर कुछ मिनट लगा देते हैं ताकि ये आसानी से रिमूव हो सके। दोस्तों देखिए, हम इसे टच करके देख सकते हैं हमारा फिट हुआ है या नहीं। इसे हम कटर की मदद से थोड़ा सा प्रेस करके पन्नी की मदद से ग्लू को कट करके रिमूव करेंगे। ये दोस्तों, ये पन्नी है, हम इसकी मदद से इसे कट करके ग्लू को रिमूव करेंगे। दोस्तों, हमें इसे हल्के से इधर से प्रेस कर लेंगे, ताकि ज़्यादा हमें इसे प्रेस नहीं करना है, नहीं तो हमारी डिस्प्ले टूट सकती है। तो इसके लिए हमें हल्के हल्के करके इसे आसानी से रिमूव कर लेंगे। दोस्तों, हम इसे रिमूव करके फिर एक बार और मशीन पे लगा के इसे वायर की मदद से कट करेंगे और ग्लास को डिस्प्ले से अलग कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें न्यू ग्लास लगाएंगे। पहले हम इसे रिमूव कर लेते हैं, इसके बाद कट करेंगे। दोस्तों, हम एक बार और थोड़ा सा हीट कर लेंगे ताकि ये आसानी पूर्वक निकल जाए। देखिए दोस्तों, ये चिपका हुआ है, ये फोल्डर चेंज किया गया था एक बार, वो कंपनी का फोल्डर नहीं है। फिर भी हम इसे आसानी पूर्वक रिमूव करके इसका ग्लास चेंज करेंगे। ये दोस्तों, ये हमारा कॉम्बो रिमूव हो चुका है। हम इसे मशीन की मदद से थोड़ा सा और हीट करके वायर की मदद से कट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इधर जो ग्लू होता है उसे हम साफ कर लेंगे, ताकि हमें कट करने में आसानी हो। टाटा जो है।
दोस्तों देखिए हम हमारे पास ये राजश्री का वायर है, हम इसे कट करेंगे। दोस्तों हमें कभी कभी डिस्प्ले कट करने में ब्लैक ब्लैक धब्बा आ जाता है, तो हमें डिस्प्ले को ज़्यादा हीट नहीं करना है, क्योंकि वो काला धब्बा आता है, वो ज़्यादा हीट होने की वजह से कभी कभी काला धब्बा आ जाता है। तो हम नॉर्मल हीट पे ही इसे कट करेंगे, ज़्यादा हीट नहीं करना है, इसलिए हम मशीन को बंद कर दे रहे हैं। देखिए उसको बिल्कुल आसानी पूर्वक कट रहा है। देखिए दोस्तों हमारा फोल्डर कट चुका है, हम डिस्प्ले को इससे हटा लेंगे। देखिए ग्लास बिल्कुल अलग हो चुका है। देखिए डिस्प्ले पर जो ग्लू है इसको हम अच्छे से पहले साफ कर लेंगे, हम दिखा रहे हैं आपको कैसे साफ करना है। बिल्कुल आसानी से साफ हो जाता है। हम पहले से सही पूर्वक रख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास है, इसकी मदद से हम इसे साफ करेंगे। दोस्तों हम वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि ज़्यादा समय ना लगे। दोस्तों देखिए हमने इसे बिल्कुल आसानी से ग्लू साफ कर लिया है, तो इसकी मदद से डिस्प्ले को हम क्लीन कर लेंगे। देखिए दोस्तों हमारा डिस्प्ले क्लीन हो चुका है। हम एक बार फिर ये देखिए हमारे पास ये जो क्लीनर है इसकी मदद से एक बार और अच्छे से क्लीन कर लेंगे ताकि कोई डस्ट ना रह जाए। कोई लड़का बजाता होगा तो उसे पूछिए अगर बोट का कैसा है, बढ़िया है कि कोई अदर है। देखिए दोस्तों हमारा डिस्प्ले पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। हम इसे टेस्ट करेंगे एक बाला कि हमारा डिस्प्ले सही वर्क कर रहा है या नहीं। दोस्तों हम इसे लगा के सेट को ऑन कर लेंगे। दोस्तों देखिए हमारे डिस्प्ले का डाटा आ रहा है, कहीं पे भी कोई लाइनिंग या धब्बा नहीं है। दोस्तों हम इस पर ग्लास लगाएंगे।
वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वाई 95 का ग्लास है। ये तीन मॉडल में लगता है, वाई 91, 93 और 95, तीनों में एक ही मॉडल लगता है। तो हम इसको ग्लू की मदद से इसे में चिपका देंगे। तो सबसे पहले हम ग्लू को इसमें लगा लेते हैं। दोस्तों हमें ज़्यादा ग्लू नहीं लगाना है, नहीं तो ये जो इसका ग्लास कटा रहता है और डिस्प्ले ग्लास दोनों के बीच में ग्लू कभी कभी आ जाता है, तो हमें नॉर्मल ग्लू पे ही लगाना है। तो देखिए हमने ग्लू लगा लिया है। अब हम इसे डिस्प्ले को अच्छी तरह से इसमें फिट करके फिर ऊपर से ग्लास लगाएंगे। तो एक बार और डिस्प्ले को हम ग्लास कर लेते हैं। हम इसके ऊपर ग्लास को अच्छे से फिट कर देंगे। दोस्तों हमारे पास पंचिंग मशीन नहीं है, इसलिए हम इसे ऐसे ही लगाते हैं। दोस्तों हम इसको अच्छे से क्लोज कर लेते हैं, इसके बाद आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए हमने इसे अच्छे से क्लोज कर लिया है, उसके बाद हम आपको ऑन करके दिखा देते हैं। देखिए हमारा सेट पूरी तरह से ऑन हो चुका है। अब हम इसके ऊपर रबर लगा लेंगे ताकि हमारा जो ग्लास लगा है वो अच्छे तरह से चिपक जाए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल पे हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमें इस पे
दो तीन रबर लगा देना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, और इसके बाद हमें एक दो घंटे बाद इसे रिमूव कर देंगे। टेस्ट करके दिखा दे रहे हैं ताकि रबर लगाने के बाद भी हमारा टच अच्छे से वर्क कर रहा है। ये दोस्तों, हमारा अनुसार। थैंक यू दोस्तों।